ये चित्र दिखीए दृश्य दिखीए जिन्ना वो अनुभव महसूस करता जिन्ना वो सुख आनंद महसूस करता इन्ना कदे नहीं। ते जे भी भी कुसे ही कोई आपत्ति होए भी ये कट्ठ की होए दा ते दा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो ये भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकिया। ठीक है, जे मैं आख्या कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संस्कार किश होर है संस्कृति किश होर है ते जे मन च भी भी खोट आवे भी भी पाप आवे ते दा मतलब है कि जनता पार्टी भारतीय जाइन ते करी लई पर संस्कार पिछला कांग्रेस का नहीं छोड़िया। मित्रों उधमपुर का भारतीय जनसंघ कन्ने ते भारतीय जनता पार्टी कन्ने उस वेले का संबंध है जिसलै इत्थे किश नहीं है ना सत्ता ही ना एमएलए है ना एमपी है ना पंच है ना सरपंच है ना खड़पंच है किश नहीं है। उस वेले भी जे भारतीय जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी का नगाड़ा बजता हा तो उधमपुरा बजता हा तो दिल्ली वाले दिखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अगर उम्मीद कन्ने दिखना हुंदा ते पंडित प्रेम नाथ डोगरा दे बाद उधमपुर की धरती की देखते दे। और इ वजह है इ कारण है भी जिसलै भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की घोषित किया कि वह साढ़े उम्मीदवार होंगे तो उन्हें फैसला किया कि मैं अपना चुनावी अभियान इतों शुरू कर 2013 के आखिरी दिनों चो उधमपुर पधारे भी इतों माता वैष्णो देवी के दर्शन किए तो 26 मई 2014 की प्रधानमंत्री के रूप में सुगंध लेने के बाद पहला दौरा भी इतने का लाया कटड़ा वैष्णो देवी रेल स्टेशन का लोकार्पण करिए। कई बार असं ये गल्लां भुली जांदियां लेकिन जोड़े महानुभाव मोदी जी जेड़े जेड़े सारी गल्लां समझते हैं पछाणते हैं जिंदी सिखमत पर दुनिया चलती है उन्हें उधमपुर की धरती का मान सम्मान इहदी श्रद्धा की मान्यता दिती है। इस वास्ते इत्थे दे कार्यकर्ता च वो क्षमता है वो क्षमता है जे किश भी नहीं होया तो उहदे संकल्प च क्षमता है। मैं आखदा असं वो जमाना देखिया जिसले साड़ी कोई संख्या नहीं लेकिन साड़े संकल्प आ ये जे अज साड़ियां सरकारां बणियां साड़े एमएलए ने साड़े एमपी ने साड़े पंच ने साड़े सरपंच ने ते इह उह संकल्प कोला संख्या की यात्रा की सिद्धि है। त्रै त्रै पीढ़ियां संघर्ष किया संकल्प किया नहीं तो तुसें कदे सोचिया कोई होर पार्टी होए कांग्रेस पार्टी होए पांच बार उसी सत्ता कोला बाहर आउण दिओ पावर कोला बाहर रहण दिओ सारे आइए जुड़ी जांदे भारतीय जनता पार्टी देखो कि वो हारदा नहीं वारदा यह भारतीय जनता पार्टी है 60-70 बड़े साड़ियां कोई हुकूमत नहीं है ना केंद्री थी ना इत्थे भी तां भी साढ़े मंडल काए हुए साढ़े जिले काए हुए साढ़े बूथ आले काए हुए कि असा संघर्ष करना सीखिया संकल्प करना सीख्या संकल्प ते संख्या कि कन्ने उहदे ने जोड़िया नहीं संकल्प के परिणाम के सरूप में असी लोकां मौका दिता संख्या दी भी चलो तुसीं अपनी सेवा दिओ। असें वह भी दौर दिखिया जिहड़े साढ़े पुराने कार्यकर्ता बैठे थे कि कई कई ऐसी सीटां होंदियां असैंबली दियां कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ की टिकट लैनी कोई कैंडीडेट नहीं थोंदा तुपड़ा पाउंदा भाई इस बारी तू खड़ोई जा तो आखदे केह करना खड़ोई जा हारने वास्ते खड़ोना पल्लिया पैसे तो खर्चने ते भी अस जदों युवा कार्यकर्ता ते वह भी दौर दिखिया भी जे साडा उम्मीदवार दीए दी टिकट उपर खड़ोईए जमानत बचाई लैंदा ते उहदे लड्डू वंडोंदे ते लड्डू की वंडे भी जमानत जब्त नहीं होई। अज ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी च बाकी सारियां पार्टियां दे लोग आईए जुड़ने तैयार न टिकट मिले कि नहीं मिले आखदे दा फैसला बाद च होग यह साड़ी प्राश्चित है साड़ी त्रऊं पीढ़ीए की कुरबानी का नतीजा है यह मोदी जी का पुन प्रताप है। जियां पवन खजूरिया और आखदे नड्डा जी की अमित शाह जी के नेतृत्व च दुनिया की सारे कोला वड्डी लोकतांत्रिक पार्टी होने का एक प्रमाण है। भारत की मुख्य यात्रा च भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख अंग बनी चुके दी भारतीय जनता पार्टी इस वास्ते हर नागरिक हर कार्यकर्ता इहदे ने शामिल होने तैयार हो रहा है। मिगी किस दिन पहला कुछ आख्या है जी कई कई कार्यकर्ता ही संभालने की लोड़ पाती है साढ़े संघ की भाषा च हुंदा जी फलाने संभाली लाए हो मां भाई संभालते तो कोई नाराज हो
ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਅਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇ ਐਮ ਪੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਏ ਬੜਾ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਰ ਮਨ ਸੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਆਈ ਆ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣੀ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਕਿਸ ਕਰ ਰੱਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੋਈ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਸਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਛੁੱਟੀ ਉੜਿਆ ਅਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੇੜਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਛਾਲੋ ਪਰ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਉਛਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਇਹ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਯੂਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੂਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆ ਉਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸੋਈ ਘਰ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਬੱਬੇ ਆਖੀ ਉੜਿਆ ਤੂੰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਨਾ ਮਾਊ ਨੇ ਆਖੀ ਉੜਿਆ ਤੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਤੋ ਜਾਈਏ ਘਰ ਲਾੜੀ ਆਖੀ ਉੜਦਾ ਮੈਂ ਬਣੀ ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਉਸੀ ਆਪੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪੂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣਦਾ ਉਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਗੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਉਸੇ ਚਾਲੀ ਭੀਤਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਛੜਾ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਚਾਹੇ ਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋਈ ਜਾਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਲਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੇ 2.5 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਭਾਈ ਪੱਗ ਪਾਈਏ ਹੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਲੱਭਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਰ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਢਾਈ ਸਕਦੇ 24 ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇਦਾ ਹੁਣ 24 ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋ ਉਮਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਠੱਗੀ ਉੜਦਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸ ਇਸੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਝਾਸੇ 'ਚ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਲਿਖੀ ਉੜਿਆ ਆਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਆਦਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਬਣੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆਓ ਦਿਖਦੇ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਿਸਲੇ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਰਾਤੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆਈ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਰੋਣੇ ਦਾ ਸੀਨ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੱਗੀ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਜਾਂਦਾ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੜੋਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹਾਰੀ ਦੇ ਨੇ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਕੰਨੇ ਹਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਨੇ ਦਿਖਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹਰਕਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਣ ਜਾਣੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਆਖਣ ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੰਨੀ ਆ ਅਤੇ 2019 ਜੇ ਲਾਖੇ ਜੀ 30,000 ਕੰਨੇ ਹਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਤੀ ਅਤੇ 6 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਮਾਰਜਨ 3,00,000 ਅਤੇ 60,000 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਲੇ ਗਲਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਤ ਉਹਨੇ ਜਾਗਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਗਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀਆਂ ਗੜਿਆ ਲਟਲ ਸੇਤੂ ਪੁਲਿਆਂ ਪਰ ਖੜੋਈਏ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਰੀਕ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ
जिन्ना कम इस संसदीय क्षेत्र च होया इतना कुतै नहीं होया। त्रै बरे कठे लगातार उधमपुर की हिंदुस्तान का अव्वल नंबर का जिला करार दिता गया है PMGSY की सड़कें च। हुण चलो पवन खजूरिया और भी झूठे, अमित शर्मा भी झूठा, ये सारे बैठे दे झूठे, पर जेड़े मोदी जी ने टोली बनाई दी जेड़े आंकड़े लार दे वो तिने ना झूठे। चलो एक बारी उन्हें भी धोखा हुई आ, भी दूई बारी भी हुई आ, भी त्री बारी भी हुई आ, 750 जिले हिंदुस्तान च अव्वल नंबर उपर उधमपुर है सड़कें का। साड़ा कोई भरा ते कदें कदें कोई भैन जाइए पगडंडी पर खड़ोइए फोटो खिंची लै ते सोशल मीडिया पाई उड़ा है, महाराज झूठ है, देखो ये सड़क नहीं बनी दी। तुसी जाइए पुछना तेरे घर 10 टूटियां लगी दियां नलके दियां ते एक कंध ऐसी है जिथे टूटी नहीं लगी दी, ते भी के इहदा मतलब टूटियां लगी दियां नहीं। सड़कां बनने का काम मुक्या नहीं है, लेकिन जिन्नियां बनियां इन्हें 70 वरें च नहीं होईयां। हां असें समझना, और ये मोदी जी दी आशीर्वाद करने होया, बार बार मोदी जी दा इत्थे आउणा होया, उन्हें आख्या पहाड़ी इलाका इहदा तिरस्कार होया, मुख्य धारा तो पिछे निकली जाए, ये देवका दा काम लगेगा, आखदे अगले महीने पूरा हो जाना। हुण मिगी दसो इयै देवका इयै नदी आखदे जी आस्था दा स्थल है, गंगा मैया की वड्डी भैण है, हजारां बरे तो देवका नदी इत्थे चला दी, कई पीढ़ियां इहदे कंढे जमियां पलियां परवान चढ़िया मुक्की भी गईयां, उत्थे गै उड़े घाटे च गै कि नहीं कीती कुसा ने देवका नदी की चिंता। ते जे अज होई है ते असीं आखणी शर्म किस गल दी है, जां अज भी नहीं मनचा कि देवका का काम कोई चंगा होया है, ते इहदा मतलब अस देवका मां का अपमान कराने आ, कुसा कैंडीडेट का नहीं, MP का नहीं। देवका दे कन्ने पुल इत्थे लगी जांदा, गड्डियां का जाम थल्ले, ये पुल बनिया कोविड के दौरान बनिया, एक्सप्रेस कारीडार बना रहा दिल्ली चलनी सड़क 6 घंटे 5 घंटे तुसें पुजी जाना इत्थे कटरे दे उधमपुर 7 घंटे च दिल्ली आ, ना कुसै रेलगड्डी चढ़ना ना कुसै जहाजा चढ़ना, नए नए हाईवे बना रहे, रेलगड्डिया का जाल बिछी है पटड़िया का, मेडिकल कॉलेज खुली है, हिंदुस्तान का इक्कै संसदीय क्षेत्र है जिथे एक नहीं दो नहीं त्रै त्रै मेडिकल कॉलेज खोले, असें जल्द त्रै मंगे तो उन्हें आख्या महाराज हूँ सारे गै तुसी इहदे च दो लाओ, फिर असें उस वेले उधमपुर पिछे कर लिया, असें आख्या चलो भी ये दो कोने दिन कठुआ डोडा दो, एक बार बाद भी मगर पई है, उन्हें आख्या जी ये नहीं छोड़ते दौ त्रीआ भी। या तो जेडे आखते ना किश नहीं होया तो एक लिखी है पट्टा दे ओड़न पवन खजूरिया होरें कि आ साढ़े जिसलै बच्चे बड़े होणगे तो उधमपुर के मैडिकल कॉलेज दाखला नहीं लैणगे, कि कहते बने दा ही नहीं है, पढ़ना भी उन्हें मैडिकल कॉलेजों च, उन्हें सड़कें चलना भी। जिसले कीड़िया गड़ियाल का पुल बनिया तो साढ़े कई मित्र अपनी पार्टी च आख ले पर असें नहीं लभदा, ये टनल बनिया थोड़ा नाशरी का एह जी कुछ असं तो लभदा नहीं। महा भाई जिसले तुसें पार जाना हुंदा 1.5 घंटे का रस्ता घट करने वास्ते तां तुस लंघी जांदे हो, कुतै मरो अखां बंद करिए तो नहीं निकली जांदे, तुसीं लभदा गै नहीं है, इयां नहीं करियो कुतै होर एक्सीडेंट मार गए, मतलब इस्तेमाल भी करना साढ़े जिहड़े काम होए दे मोदी जी दे आशीर्वाद करदे, कन्नै आखना होए दा भी किश नहीं। इस वास्ते ये लोग जिहड़ियां इयां गल्लां करदे इहदे ने विचलित नहीं होना, अपना भी समय गवा रहे। मानसर का काम लगी पेदा ये जिहड़ा अमित शाह शर्मा और बैठे इहदे एरिए च, हुण कुसे ये तकलीफ होई आ कि अमित शर्मा दे एरिए च मानसर की बनी, तो हुण इहदा कसूर है कि मानसर इहदे कोला पहले जमी दी। मैं सांसद बनी है, मैं मानसर वास्ते 200 करोड़ रुपया जमा उन्होंने कराया, आखदे की बनिया जी मानसर की काम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उत्थे दा DDC है अमित शर्मा। भाई आदमी की पहले पता हुंदा तो मानसर की मैं सुनाई उड़दा कि मां मानसर तू इत्थे नहीं झीर बसे आ, इत्थे अमित शर्मा जिहा मनुख जमना है। तो कैसे कैसे साढ़े संस्कार ने, असीं इह नहीं समझौंदा मान तलाई का कम 35 वरे का रुके था दरिंदर ब्रह्मचारी होरे जिस दा उंदी घटना हुई दुर्घटना हुई हवाई जहाज की, कांग्रेस के बड़े चेते हो कांग्रसियां उसी खंडरात बनाइए रखिया 35 वरे, असें अज उत्थे वेलनेस सेंटर बनाया, लोग बाहर आइए दिखा रहे ने, परसों केरला तो एक टीम आई ही वो दिखिए गए मिगी मिले उन्हें आखिया असं इत्थे आयुर्वेदिक का एक संस्थान खोल गए, ये बड़े बड़े काम इस वास्ते हो रहे कि अस शायद लोकें च प्रचार प्रसार नहीं करते,
ते जिने अजे भी नहीं होंदे वह उल्टा प्रसार करने कामयाब हो जाते। डिग्री कॉलेजों का इत्थे झड़ी लगी, बिरवां का पुल बनिया जदों कोविड हा, पिछला डीसी हा तुहाड़ा तदों। ते जे तुसीं लखनपुरा शुरू करो तो मैं आखना हर किलोमीटर के बाद कोई ना कोई विकास का समारक बने दा, भावें कीनिया गंडियाल का पुल है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जिहड़ा अगले हफ्ते उहदा लोकार्पण होवार दा, उत्तर भारत की सारे कोला पहले हाईवे वेले ही दो दो बने, पहले हिंदुस्तान की उधमपुर है, कठुए का, कठुए का काम रुकी आ, सड़क चौड़ी होवार दी, इत्थे गढ़ी दे नेड़े लगभग वह तैयार होवार दा। हाँ गढ़ी अच्छा हुण आखदे काम कोई नहीं होए, लेकिन जिसले अपनी इलैक्शन लड़नी भावें डी डी सी पंचायत आखना इसे उपर वोट दे जोड़ोगी, या तो भी उसले भी आखण नहीं हो। असें यह गल समझनी है कि मोदी जी ने ना साढ़े जो मंगिया असें दिता है, उन्हें इत्थे दी साड़ी कार्यशैली, कार्य संस्कृति, साड़ी पोलिटिकल कल्चर, साड़ी राजनीतिक संस्कृति बदलने का काम किया। पी एम जी एस वाई दी सड़क मैं संसद बनते आख्या, मैं मोदी जी की सरकार है, अगर मोदी जी ने असें थ्री टायर प्रजातंत्र दिता है तो पी एम जी एस वाई दी ग्रां की जी सड़क बन गई प्राथमिकता तय करे उत्थे दा पंच सरपंच, ना कि एम पी एम एल ए। साढ़े कई लोग नाराज हुई, हमारे कमाल है, तुस पैंचें सरपंचें ही साढ़े खिलाफ ले पे करना। मैं भाई जिसी वोट दिता लोगों ने वो खिलाफ हुई है थोड़े, तो तुस ना एम एल ए ना एम पी, मूँह बोले दे एम पी, मूँह बोले दे मिनिस्टर, तो थोड़ी गल ज्यादा कि परसों आख लगे जी इतने जो जलसा हुई है तो बड़ी भारी मुश्किल हुई जानी, ये भी कुछ ने आख्या। मैं आख्या मैं एम पी है जिथे मर्जी खड़ोइए जलसा करा, तो मिगी तो समझ नहीं आता मैं कुछ पूछना, एम पी ने पूछना कुछ ही कि मैं कुछ जान लोगों को, और पूछना भी वो जे ना एम पी ने ना एम एल ए। असी भारतीय जनता पार्टी ने संसद चुने दा, मोदी जी ने अपनी टोली च रखे दा, असें उस दायित्व की निभाना है, और भारतीय जनता पार्टी की इयै संस्कृति है। इत्थे बड़े सारे काम ऐसे न जेड़े होइए कई होने भी हैं, वो मैं इस वास्ते गलाना कि ये बाद असें थोड़ा जहा शायद डीसी नवी आई हैं मैडम उन्दे कन्ने भी थोड़ा बौने का रखे दा, इत्थे एक पार्किंग का बड़ा पुराना विषय चला रहा, एक सीवेज का चला रहा, लेकिन थोड़े ने गल साझी करनी है कि उधमपुर है कि नवी इंडस्ट्रियल स्टेट मिला रही है। मैं पिछली बारी भी सुझाव दिता हा कि अस थोड़ी जी रैकी करिए, रिसर्च करिए, दिखचे कि साढ़े नौजवानों केड़े केड़े इतने स्टार्टअप के काम शुरू हो सकते हैं। यही वह इंडस्ट्रियल स्टेट या दुकाना लाइए भी उ कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर बेचने शुरू करी ओड़चे, जेडे पिछली पीढ़ी के काम इतने कोई इतने डेयरी का काम है, दुध दुध दही का काम है, फलें का काम है, आर्गेनिक खेती का काम है। अगर गुजरात तो अमूल का दुध इतने आइए बिकी सकता तो कि साड़ा नहीं दुध के बाकी पदार्थ पकवान बाहर जाई सकते। अस उस चाली सोचिए इंडस्ट्रियल स्टेट कोई कोई यूनिटा रखे, ये मैं थोड़े ने निवेदन करना, पार्टी भी किया तो असें ये भी किया। अलावा एक मोदी जी ने स्कीम दी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर जिले का एक ब्रांड प्रोडक्ट होगा। असें यह फैसला किया इतों के कलाड़ी की अस प्रमोट करगे, लेकिन वो डीसी साहब की तादरा हुई है, डीसी दुई कन्नै करके गल, जे साड़ी गै कलाड़ी सारे दोसाने जा ते ना छड़ा एक बच्चियां वास्ते रोजगार का आमदन का जरिया बनता है, बल्कि उधमपुर का भी ना जगह जगह उस कन्नै पुजदा है। इस चाली एक नवी स्कीम जेडे पिछले हफ्ते के दी अमृत सरोवर, हर जिले च 75 तलाब बनने। मेरा निवेदन है साढ़े साथियों कन्नै साढ़े जिन्हें चुना चुरे के प्रतिनिधि पंच सरपंच, अस अपने अपने इलाके च शनाख्त करचे कुत्थे तलाब बनना चाहिए। पूरी स्कीम सरकार की है, सहयोग सरकार का, सहायता सरकार की, पैसा भी उनका, एक्सपर्टाइज भी उनकी, इंजीनियर भी उनके, लेकिन जे हर जिले च 75-75 साढ़े इे जे तलाब बनी जान तो आने वाली पीढ़ियों एक बड़ा बड़ा वरदान का काम हो जाग। एक मझालता तो मझालता एक डबल लेन पुल की बड़े चिरे की मांग ही वह पूरी हुई। हूँ असें जेड़े जेड़े काम किए देखिए साढ़े काम बंडोए दे, संसद का काम है कि जिहड़ी इत्थों गल आवे वह अगे रखे उसी पूरा करे, तुहाड़ा काम है तुसें कुसी पंच चुकना सरपंच बनाना कुसी डी डी सी बनाना ताकि वह तुहाड़ी गल अगे तक पुजा। लेकिन कल की हो या नहीं जी सड़क बनी लेकिन सरपंच साड़ी मर्जी का नहीं तो वह भी कसूर तो साड़ा जिन्हें बनाया,
ते जेड़ा नहीं बनिया तो उसका क्या कसूर है, उसी के गिला होना चाहिए। इस वास्ते खुले मन करने अस करचै, अज लम्मा समय नहीं लेना, क्योंकि उत्थे आखदे हो अंदर इन्हें भोजन की व्यवस्था की थी, बाहर उसकी सुगंध आवार दी। लेकिन एक गल मैं आखा, गल अपनी मुकाने कोला पहले, कि बीजेपी दे प्रति जनता मन बढ़ाई है थी, कि मोदी जी के नेतृत्व में गए भारत की जी विकास यात्रा है चलती रहे। जी मोदी जी आखते 75वें बरे चा निकला रहे आजादी के, आने वाले साढ़े 25 बरे अमृत महोत्सव के होंगण के 25 बरे बाद जिसल आजाद हिंदुस्तान अपनी सालगिरह 100वीं मनाग, उसल विश्व पटल उपर खड़ोते होग, असें वे तैयारी करनी है। मोदी जी दे नेतृत्व की लोगों स्वीकार किए और मोदी जी ने उसकी जिम्मेवारी भी ले ली। लेकिन अस अपने अपने स्थान पर जिथे जिथे लोगों का प्रतिनिधित्व कराने, क्या अस भी तैयार हाँ, क्या असें भी अपने क्षमता पैदा की है, अस इस गल पर ज़्यादा ध्यान देचै, बजाय इस दे कि दूआ कुत्थे चली जा, उसकी लत्त खिंचने ज़्यादा टाइम लगी जाता, वह तो ज़्यादा अगे लगी जाता, अस उत्थे खड़ोते रहने। तो मेरा यह निवेदन है सारे भ्राएं कन्नै भी, अस और युवाएं का मुल्क है, युवाएं का देश है, इतने वोट भी उन्हें देना, जिताना भी तुसें उन्हें, लेकिन परमात्मा असें इन्नी सदबुद्धि दिया, अस ये समझै कि अस एक संगठन के कार्यकर्ता, एक बड़े शक्तिशाली संगठन के, और जे अस इस संगठन की ताकत की समझी सकचै, उस ताकत की अपनी ताकत समझी सकचै, तो कुतै ना कुतै असीं ये ताकत भजाई सकती है। इसे च समाज का भी भला है, देश का भी भला है, मुल्क का भी भला है, उधमपुरा का भी भला है, तो साढ़ा सारे को ज़्यादा साढ़ा अपना भी भला इस है। तो इयै गल गलाइए एक बार परतिए, बड़ी बड़ी बधाई पवन खजू।